हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और सुबह का टाइम है तो रोज़ की तरह सारे लोग रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं, हम भी नहाने धोने रेडी होने। और आज बृहस्पति है तो सब पीला पीला कपड़ा पहनेंगे। हम तो दिन के हिसाब से कपड़ा पहनते हैं, उनका अच्छा लगता है। सब कुछ भगवान दिए हैं तो पहनने करने में क्या दिक्कत है। जिसके पास नहीं रहता है वो भी कोशिश करता है, प्रयास करता है कि शनिवार को ब्लैक जरूर पहनना चाहिए और बृहस्पति को पीला पहनना चाहिए। तो बृहस्पति भगवान का ही होता है, इसीलिए पहना जाता है। और शनिवार को शनि देव ग्रह थोड़ा सा कटित होता है ब्लैक कपड़ा पहनने से, तो पहनना चाहिए। अब सचिन के पापा हाथ धोवा के तैयार हो गए हैं, ये जाएंगे स्कूल। तो हम बोले लेकिन रोज़ के काम हमारा ही रह रहा है पानी डालने का, आप नहीं डाले हैं, फिर अब हम जाएंगे डालने। और भी डाल सकते हैं। और कल से मनीषा का तबीयत ख़राब है, उसको रात में फीवर हो गया है। हमको लग रहा है स्कूल जा रही है ना, तो लू लग गया है उसको, धाह लग गया है वहाँ स्कूल में, तो उसको धाह लग गया है। तो यहाँ पे यहाँ पे आ गया है फल, फल में मिला है खीरा और सेब और चाय। तो इतना हम लोग का आंटी जी करके दे दी है, जो आती हैं काम करने। तो हम जा रहे थे अब थोड़ा सा उधर सफाई करने और पानी डालने, और वो आ गई हैं तो काट के दे दी है वो। तो आप आज का क्या है, आज आप पानी का ना डाला है, हम ही डाल रहे हैं पानी। आज हमको उठने में विलम्ब हो गया है और मेरा टारगेट तो 7 बजे यानी हाउ स्कूल में रहना है। इसके पहले हम सोचे कि फिर नहावा के तैयार हो लें, डालने जाते हैं तो उनका सोचे कि वो लोग गया होगा, लोग रास्ता में हम जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उधर सब लोग आपको जगाएंगे, उठ के जंगला खोले हमने, देखिए धूप निकल गया है, उठिए जल्दी से। वही ना, लेट हो गया, धूप के पहले उठना है ना। हाँ, किरण के पहले उठ जाना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, समझे ना। स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले सुबह उठिए और दिन भर आपको काम करना है तो सुबह से ही आपका मूड अच्छा होना चाहिए। सुबह से आप काम करेंगे, बढ़िया से जगेंगे तो सब काम अच्छा से होगा, और नहीं तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए सब लोग सुबह सुबह ना उठना चाहिए, हम लोग शुरू से ही हमारा ये काम है। यहाँ पे आ गया है गर्म पानी पीने का, तो चल रहे हैं अभी पीने। इतना बड़ा गिलास से एक गिलास पानी पीते हैं, देखिए यहाँ पर है। और ये थोड़ा सा पिए हैं पानी, पीते नहीं है ज़्यादा, दिन भर पानी पी रहे हैं। नहीं, आप बहुत कम पानी पीते हैं, पानी ज़्यादा पिया कीजिए, इसलिए गर्मी का टाइम है ना। चलिए वीडियो के लिए चलते हैं आगे, और आप लोग भी सुबह में उठिए, जल्दी से तैयार हुई और अपने काम पे भागिए। जीवन बहुत बहुमूल्य है, एक एक क्षण इसका कीमती है। आदमी को एक एक क्षण को इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि बाद में चल करके कभी ऐसा नहीं हो कि आपके मुंह से ही निकले कि समय रहते मैंने नहीं किया, समय रहते मैंने नहीं किया, मेरा समय निकल गया। तो वही बात हो जाती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, लोग कहने लगते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को और प्रत्येक सदस्य को आपको एक काम करना चाहिए। सबसे बड़ा बात है ना कि अगर आप टाइम को उठेंगे सुबह किरण को पहले तो स्वस्थ रहेंगे, कोई तरह का बीमारी नहीं होगा शरीर के अंदर। दूसरी बात है कि जो भी खाएंगे पिएंगे वो शरीर में लगेगा। और उठ के सुबह में पानी जरूर पीना चाहिए, एक गिलास कम से कम पानी, इसलिए कि रात के सोने से पूरा ये कलेजा सूखा रहता है तो पानी पीने से तर हो जाता है, पानी जरूर पीना चाहिए। और यही है, पानी पीना, टहलना, और सुबह कुछ हल्का फुल्का सुबह में ले, नाश्ता ले लेना, फल फूल खा लीजिए। नाश्ता की कोई बात नहीं है लेकिन पानी जरूर पीना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। सो गाइस, तो ये टाई का देखिए क्या हाल बना के आई है,
तो इसको खोल के ये काके थे कि ऊपर से बांध ली थी, बांध के गर्दन में बांध रही थी, तो इसको सोचा है कि पहले बना दें। यहाँ खुल भी गया है तो इसको भी थोड़ा मरम्मत कर देंगे तो सही लगेगा। तो बच्चा लोग को तो रखना बड़ी बात नहीं होता है, उनका केयर करना होता है। नहा ली है और अपने बड़े पापा के साथ जाने के लिए रेडी है, तो कुछ खाएगी और कुछ लेके भी जाएगी। इसका केस बढ़ रहा है ना? केस, हाँ, बाल बढ़ रहा है। बाल बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा कटवा देंगे। अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि अच्छा सही हो जाए बाल तब कटवाएंगे, ले जाएंगे अपने साथ तो कटवा देंगे इसका। गुड मॉर्निंग बोल दो सब। गुड मॉर्निंग। तो नहा ली है ना? हाँ। क्या बोल रहे थे? अच्छा, लोग पूछ रहा है हैं कि कमेंट किया है एक दो जन आपसे बोल रहे हैं कि सिद्धि जो है वो कौन है और हाँ आपका कौन लगती है और आप वो कभी अपनी मम्मी को याद नहीं करती है। तो सिद्धि तुमसे पूछ रहे हैं, अपने मम्मी को याद करती हो? नहीं। क्यों? क्यों? आप तो अरे मेरी मम्मी और ये मेरे पापा है। तो सीधी सीधी बोल रही है कि मम्मी पापा आप लोग हैं ही, तो कोई दिक्कत इसको है नहीं, नहीं मम्मी पापा के पास जाएंगे नहीं, लेकिन जब हम जाएंगे घर तो जाएगी मम्मी के पास, लेकिन अब मेरे ही पास ही रहेगी। अब मेरी बेटी बन कर आएगी, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खूब ज़्यादा पढ़ाएंगे। जो पूजा को हम नहीं किए, अगर ये रह जाएगी मेरे पास तो इसको करेंगे, है ना? इसका शादी ब्याह रखना पढ़ाना लिखाना सब करेंगे। अब मेरे देवर की बेटी है गाइस, छोटे देवर का, उनका 5 बच्चे हैं, तो इसीलिए हमारे भाई की बेटी है। हाँ, इनके छोटे भाई के लड़की है, इसीलिए इसको लाया कि हम लोग कम से कम इतना करने लायक हैं कि इसको कर सकते हैं। अभी मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमको अच्छा लग रहा था कि इसको रखे। जब ये हम लोग पहले से जब शुरू से हम जब घर जाते हैं, मतलब मेरे पास सारे बच्चे जुटे रहते हैं। और क्या है कि कल कह रही थी, ये क्या बोल रही थी भाभी लोग का? क्या बोल रही थी तू? क्या बोल रही थी कल? क्या बोल रही थी भाभी लोग को बाबू हुई तो खिलाएंगे? कह रही थी भाभी लोग को बाबू हो जाएगा तो हम खिलाएंगे उन लोग को। तो कम से कम एक ननद है खिलाने वाली, एक तो दूर है, आते आते आएगी। तो चलिए यही सब है। और यहाँ हमारा सिद्धि रेडी हो गई है और इसका यहाँ लगा दे कपड़ा। तो चलिए रहने दीजिए। हे गाइस, तो आज है बृहस्पत को पीला पहन लिए और चल रहे हैं उधर देखने, पूजा भी कर लिए। तो अब मनीषा के पास चल रहे हैं और रंजना के पास। तो यहाँ पे लिए हैं कुछ ऐसा मिठाई जो एक रंजना को देंगे, एक हम खाएंगे, एक मनीषा लेगी। तो चलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। अभी कौन कहाँ का कर रहा है? देखो, अरे उससे जल जाएगा, उसका कैसे सरी है, जल जाएगा। और उधर लटका होने दो हम पसंद है। हेलो जी, तुम लोग रखना सब मत इधर उधर खा जाना, छोड़ दो, हम पसंद देते हैं लोग। और उधर करो भीतर उसको छिपिया खोलो और लटकाओ और लटकाओ आगे। देखिए सब काम का ढंग है, लेकिन इन लोग को मार पसंद नहीं आ रहा है, ना इनका ना इनका। ये खाली कुकर में ही चावल बनाई है आजकल। कुकर में चावल खाने से ना शुगर का बीमारी जल्दी होता है, मालूम है? सब उसका अथी उसी में रह जाता है। ये कुकर वाला खाते ही नहीं है। हम लोग भी नहीं खाते हैं, ना पापा खाते ना हम। हमको पसंद हो जाता है ना, मुलायम हो जाता है, अच्छा नहीं होता, गीला गीला होता है। ऊपर कर लो, हाँ देखिए कितना चावल बना है मैंने कह गिलास होगा तो अभी गिलास नहीं अपने नाच नहीं खा रहे आधा किलो होगा
750 तो गाय 750 चावल बना है और इतना मुशक्कत से इन लोग को बनता था और उसमें छनावटा से निकाल के तगाड़ी में रखते थे अथी वाला टोकरी रखे थे उसमें हाँ उसमें कपड़ा बिछा के तब उसमें रख देते थे तब बच्चा लोग चलाते थे। 2 किलो दाल बनता था बड़ा कुकर में ब्लास्ट कर गया वो पूजा भी चढ़ा के जैसे हटी तले के बड़ी इसी छतों में लड़ गया था तो बेच दिए कुकर को किचन में है लोग बना रहे हैं लोग यहाँ पर घेवड़ा का सब्जी बन रहा है। आज ऐसा हुआ कि हम लोग रूम में से आंटी की घेवड़ा काटी बिना छिलले घेवड़ा काट दिए हैं और जब हम आए हैं तो देख रहे हैं तो घेवड़ा बिना छिला हुआ काट दिया बिना छिला हुआ घेवड़ा कोई खाता नहीं है पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए और इसी के लिए इन लोगों को बोले भी हैं कि कम से कम दुआरी पर जब काट रही हैं तो देखना चाहिए तुम लोग को कि कैसे काट रही हैं। तो यहाँ घेवड़ा बिना आप लोग देख सकते हैं बिना छिला बन रहा है आज इसका विटामिन सब इसी में है बाहर नहीं निकला है और क्या करना है लो तुम लोग इस तरह से मम्मी दाल भी नहीं धोते नहीं दाल धोते ना तो उसका सारा विटामिन निकल जाता है दाल का खोइया निकालने का ना बनता है नहीं जो दाल होता है ना तो दूध के मुंह पॉलिश करवा के दाल आ रहा है सब केमिकल से तो ऐसे कौन खाएगा और घर का कूटा हुआ दाल रहता है ना पहले के दौर के बनाता था लोग क्या क्या बनाया आज दिखाओ यहाँ पर देखिए आज लौकी बनाया है घेवड़ा बन रहा है टमाटर का चटनी बना देना सब मतलब ना खाए दाल का चटनी उसमें एगो मिर्चा का नहीं डाल दे हरा मिर्चा जान मिर्च डाले हैं क्योंकि ना मम्मी देखी लाल चटनी तो एक थोड़ा डाला जाता है अच्छा कलर के लिए थोड़ा अच्छा होता है और यहाँ पे दाल भी दाल बन गया है दाल फ्राई तो रोटी सब्जी दाल बन गया है रोटी सब्जी दाल चावल हाँ अब बन रहा है उसमें और ये दाल के लिए वो दाल फ्राई नहीं खाएंगे रोटी सब्जी दाल चावल सैंडविच क्या क्या बना है रोटी सब्जी दाल चावल चटनी सैंडविच अभी तक बन गया है सैंडविच बनाइए लो अपने अपने दूल्हा के लिए नहीं खाए नहीं है जाना था रखा हुआ है तो वो सुबह सुबह मीठा खाते हैं तो आपको बना दे परसों बोल रहे थे कि सैंडविच ऐसा बनाओ जैसे ब्रेकफास्ट अलग अलग बनाया करो सैंडविच का भी बना दो कभी एक फ्राइड वो बना दो रोटी और एक का वो होता है ना भुर्जी वो बना दो कभी पनीर का भुर्जी बना दो बोल रहे थे परसों कह रहे थे खाली सुबह रोटी सब्जी ला के दे दीजिए थोड़ी टाइम में परसों बोल रहे क्या करके बनाओ लो सब बर्तन अभी निकालना नहीं था हमको निकालना है किचन बन जा रहा है तो ये सारा बर्तन चल जाएगा बाहर यहाँ का सब नया बर्तन निकलेगा हाँ 2-4 दिन के लिए कोई बात नहीं है वो काम हो जा रहा है ना तो वहीं पे किचन ले जाएंगे उसका ये वाला पोर्शन किचन तो वहाँ पर मनीषा बनाएगी इधर तुम बनाएंगे सबको खा तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं अभी देखिए इसमें क्या हाल है स्कूल नहीं गए तो इसी में पंख वाला लाइट जल रहा है हम जो सोच रहे काहे चल रहा है तो यहाँ पे भी देख लीजिए तो वीडियो कराने देते हैं तक वीडियो अच्छा लगे तो देर से लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा खूब सब्सक्राइब कीजिएगा खूब सारा प्यार।